न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तेज रफ्तार वाहन ने 3 लोगों को कुचला, नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी, मुंबई में दम तोड़ने लगी तीसरी लहर। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। पटना में रविवार रात सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के स्टेट हाईवे 78 पर एमन बिगा गाँव के पास हुई। तेज रफ्तार भारी वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। मृतकों की पहचान फतुहा थाना क्षेत्र के गोरी पुनहत गांव निवासी 50 वर्षीय रीता देवी, उनके भतीजे 25 वर्षीय पंकज राउत और 15 वर्षीय पोते सुदामा कुमार के रूप में की गई है। परिजनों के अनुसार गीता देवी अपने बेटे दीपक कुमार की शादी को लेकर लड़की देखने गोरीचक थाना क्षेत्र के सोहगी गांव में गई थी। लड़की देखने के बाद रिश्ता तय कर गीता अपने भतीजे और पोते के साथ बाइक पर सवार होकर गोरीचक से वापस अपने गाँव फतुहा के गोरी पुनहत लौट रही थी। इसी दौरान यह हादसा हुआ। परिजन रविंद्र प्रसाद ने बताया कि शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के स्टेट हाईवे 78 पर एमन बिगा गांव के पास एक बेलगाम अज्ञात खड़े वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इससे कुचलकर तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गया। अगली खबर, माटुंगा पुलिस ने एक ऑनलाइन सेक्स सर्विस वेबसाइट का प्लेबॉय बताकर एक युवक को कथित तौर पर ठगने के आरोप में दिल्ली से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी ने होटल बुकिंग विशेष टैक्सी सेवा के नाम पर पीड़ित से 1,53,000 रुपए की ठगी की थी। पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता दादर ईस्ट का रहने वाला है। 12 दिसंबर को इंटरनेट पर ब्राउजिंग करते समय उसे सेक्स सर्विस वेबसाइट लोकांटो पर एक प्लेबॉय के रूप में नौकरी मिली। उसे वेबसाइट पर एक मोबाइल नंबर भी मिला। आरोपी और उसके साथियों ने वेबसाइट के कर्मचारी और महिला कस्टमर का दिखावा कर नौकरी की पेशकश की थी। 3 किस्तों में युवक से 1,53,000 रुपए लिए गए थे। अगली खबर, दिसंबर महीने से शुरू हुई कोरोना की तीसरी लहर अब दम तोड़ती नजर आ रही है। रविवार को नए कोरोना मरीजों की संख्या 10,000 से कम हो गई। पिछले 24 घंटे में 57,534 लोगों की जांच की गई, जिसमें से 7,895 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले। हालांकि शनिवार की तरह रविवार को भी 11 मरीजों की मौत दर्ज की गई। कोरोना की पहली लहर के दौरान सबसे ज्यादा 2,800 और दूसरी लहर में सर्वाधिक 11,163 मरीज दर्ज किए गए। तीसरी लहर में 6 से 8 जनवरी के बीच लगातार 3 दिनों तक 20,000 से ज्यादा मरीज मिले। हालांकि इसके बाद से मरीजों की संख्या में कमी आई है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।